हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रियल ट्यूब नॉलेज। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ तेज यूपीआई की कुछ प्रॉब्लम और उसके सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप अगर तेज यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि तेज अपने इनामी स्क्रैच कार्ड की वजह से बहुत कम समय में काफ़ी फेमस हुआ है और फ्रेंड्स इसके ट्रांजेक्शन इतने ही ज़्यादा बढ़े हैं। फ्रेंड्स, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम्स इसमें आ गई हैं, जैसे कि अगर हम अपने फ्रेंड्स को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, न तो फ्रेंड्स को मिलते हैं लेकिन हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में बात करेंगे कि कोई अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो गया है और वो अपने फ्रेंड्स को नहीं मिला है तो उसको हम वापस अपने अकाउंट में कैसे लें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने तेज यूपीआई को ओपन कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इसे ओपन गूगल पिन द्वारा ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, अब मेरा जो तेज यूपीआई है वो ओपन हो चुका है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको वो ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा जो पहले बैंक की तरफ से पुष्टि का इंतज़ार यानी पेंडिंग में दिखाई दे रहा था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपने यहाँ पे एक फ्रेंड्स को मैंने पैसे ट्रांसफ़र किए थे, वो कहीं रुक गए थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उन पे ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वो ट्रांजेक्शन है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये वो ट्रांजेक्शन है जो असफल हो गए थे और मेरे अकाउंट से पैसे डेबिट हो चुके थे लेकिन मेरे फ्रेंड को नहीं मिले। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 9 अक्टूबर को मैंने ये पेमेंट किया था, 50 रुपये का पेमेंट किया था स्क्रैच कार्ड के लिए। तो मैं इसे ओपन करता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स, विवादित इसकी समीक्षा की जा रही है। फ्रेंड्स, ये जो अमाउंट है वो मेरे अकाउंट से 9 तारीख को काट किया गया था लेकिन मेरे फ्रेंड को नहीं मिले। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका क्या करें। लेकिन फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे जो स्टेटस है वो दिखाई दे रहा है, हो गया, यानी आपका जो पेमेंट है वो हो चुका है आपके फ्रेंड्स को। लेकिन आप जैसे इसको ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है विवादित इसकी समीक्षा की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे पहले ये दिखाई दे रहा था, ये शो कर रहा था कि बैंकिंग की तरफ से पुष्टि का इंतज़ार हो रहा है। तो मैंने फ्रेंड्स ऐसे में ये किया कि इसकी जो कंप्लेंट कर दी। फ्रेंड्स, इसकी एक कंप्लेंट होती है, तो पूरी जितनी भी यूपीआई हैं उन सब की हम कंप्लेंट कर सकते हैं अगर हमारा पैसा कहीं रुक जाता तो एनसीपीआई पे हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसकी वहाँ पे कंप्लेंट की और ये जो दूसरा ट्रांजेक्शन है वो भी रुक गया था और इसकी भी समीक्षा हो रही है। फ्रेंड्स, ये दो अकाउंट थे जो रुक गए थे और मैंने इसकी कंप्लेंट की थी। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ कि हम अगर आपका कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो तो उसको वापस कैसे लें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको अभी मेरा कोई ऐसा ट्रांजेक्शन नहीं है जिसको मैं आपको बता सकूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए ये असफल हो गया था 50 रुपये का। तो फ्रेंड्स, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आपको ये दिखा रहा है कि बैंक की तरफ से पुष्टि का इंतज़ार है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें मेरा पैसा डेबिट नहीं हुआ है तो ये यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से उसी दूसरे तरफ, अब जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 18 अक्टूबर को मेरे फ्रेंड्स को 4000 रुपये भेजे थे, ये देखिए फ्रेंड्स ये असफल रहा। लेकिन फ्रेंड्स, असफल रहा इसका मतलब मुझे पेमेंट मेरे अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ। अगर फ्रेंड्स ऐसा आता है कि बैंक की तरफ से पुष्टि का इंतज़ार है तो ऐसे ट्रांजेक्शन में हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और अपने फ्रेंड्स को पैसे नहीं पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर मैं आपको पास आया हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है, उस जो ट्रांजेक्शन है उसको सेलेक्ट करने रहा, और सेलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर की तरफ जो 3 पॉइंट यानी जो बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे 2 ऑप्शन शो होंगे, अगर आपके पैसे डेबिट हो गए होंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं। पहला ये समस्या की रिपोर्ट करें तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखिए NPCI की परेशानी। फ्रेंड्स, ये एक नेशनल एजेंसी है जो हमारे जितने भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होते हैं उनके विवाद को निपटारा करते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारा कुछ किसी भी डेबिट कार्ड UPI उससे हमारा अगर कोई ट्रांजेक्शन हो गया और वो गलत हो गया या फिर किसी कारण हमारे पैसे कट गए हैं, लेकिन जैसे कि अगर आपको किसी फ्रेंड को पैसे भेजने थे उसके पास नहीं पहुंचे या फिर आपने कोई ट्रांजेक्शन किया वो फेल्ड हो गया लेकिन फिर भी आपके पैसे कट गए, तो इस प्रकार की समस्या का यहाँ पे निपटारा किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रिपोर्ट करने पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही फ्रेंड्स ये देखिए विवादित इसकी समीक्षा की जा रही है। ऐसे में फ्रेंड्स क्या होगा कि 7 दिन के भीतर आपके जो ट्रांजेक्शन है उसकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षा करने के बाद में फ्रेंड्स अगर आपका पैसा कटा है वो तो या तो वो आपके फ्रेंड के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या फिर फ्रेंड्स आपके खुद के अकाउंट में ये रिटर्न हो जाएगा। ऐसे में फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको ये अभी इसका जो स्टेटस है उसकी है समीक्षा की जा रही है। उसके बाद में फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ पे ये दिखाएगा कि आप किसके अकाउंट में गए, अगर ये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गए हैं तो ये यहाँ पे शो करेगा कि क्रेडिट योर अकाउंट, अगर आपके फ्रेंड्स के अकाउंट में गए तो यहाँ पे शो करेगा कि डेबिट योर
बेनिफिशरी क्रेडिट योर बेनिफिशरी यानी आपके जो बेनिफिशरी था जिसने आपको सेंड किया था उसके अकाउंट में चले गए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम एक छोटी सी ऑप्शन पे क्लिक करके हम आसानी से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। फ्रेंड्स अक्सर क्या होता है कि हमें पता नहीं होता और हम डायरेक्ट कस्टमर केयर को कॉल करते हैं और फ्रेंड्स इससे समय की बर्बादी वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ हमें राय दे सकते हैं और वो हमें यही बताएंगे कि आप इस तरीके से आपका जो ट्रांजेक्शन है उसकी कंप्लेंट कर दें और आपका जो अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।